स्वागत। ठीक है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सलीश और अभी मैं हूँ राजस्थान कोविड स्वास्थ्य सेवा संघर्ष समिति के बैनर तले। आपने कुछ भाई खड़े हुए हैं जिनका धरना प्रदर्शन का प्लान भी बन रहा है 17 तारीख को, और धरना प्रदर्शन है शायद कंफर्म है ना। तो आज अभी इनसे थोड़ा बहुत सवाल जवाब करते हैं भाई, क्या है रणनीति, क्या है पूरे राजस्थान लेवल की और बाकी अपने इनके ज़िले की भी, और थोड़े से इनसे क्वेश्चन भी करेंगे। आई थिंक नज़र आ रहा है कि ये शायद दो गुटों में अभी बटे हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। बाकी अभी अपने महेंद्र पाल जी और ये अपने जिला अध्यक्ष साहब है ना विजेंद्र नगर जी, तो गजेंद्र नगर जी, सॉरी गजेंद्र नगर जी, तो ये भी कुछ स्पीच देंगे और बोलेंगे भाई क्या है क्या नहीं है। तो लो जी सर, मैं गजेंद्र नगर जिला अध्यक्ष कोविड स्वास्थ्य सहायक संघर्ष समिति 12। हमारा 17 तारीख को कोविड स्वास्थ्य संघर्ष समिति के तत्वाधान प्रदेश कार्यकारिणी जो अपने राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन CHS है, दोनों का मिलन के रूप में अपन एक काम करेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर 12 जिले से और सभी पूरे राजस्थान से 17 तारीख के लिए पूरे राजस्थान से जयपुर में इकट्ठे होंगे। ये किसके नेतृत्व में, मतलब कौन है अपना पूरा राजस्थान का नेतृत्व कौन कर रहा है 17 तारीख को? 17 तारीख को राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन CHA के जो प्रदेश महासचिव और प्रदेश संरक्षक, नाम क्या है, कशिश जी कछावा और रवि जी चावला के नेतृत्व में होगा। तो अभी क्या रणनीति है, कब निकलोगे, कैसे प्लान बनाया है, कहाँ पे धरना दोगे राजस्थान में, वहाँ पर जयपुर में? जयपुर निकलने का हमारा 16 तारीख का प्लान है, 17 तारीख को 10 बजे से आयोजन स्थल पे पहुँचने का है। आयोजन स्थल का नाम 22 गोदाम। ठीक है, तो अपने ये जिले में जो आपकी ग्रुप की है, ये CHA की संख्या है, उनके लिए कुछ बोलना चाहो तुम? भाई मेरा सभी CHA साथियों से एक ही निवेदन है, अपने हक की लड़ाई के लिए अपने को सबको चलना है, और इसमें हम कम से कम यहाँ से 150 से 200 CHA भाई और बहनें जयपुर 22 गोदाम पे धरने के लिए इकट्ठे होंगे। तो ये हर जिले से निकल रहे हो आप, मतलब? जी हर जिले से। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 14 तारीख को भी एक धरना बताया, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? 14 तारीख का रीट के लिए अभी जहाँ तक ऊपर से हमें सूचना मिली है, जो रीट के विद्यार्थी हैं उनका और एक समाज का दोनों का एक धरना प्रदर्शन है। तो ये कुछ जो एक ग्रुप बना हुआ है अपना कोविड स्वास्थ्य जो सहायक ग्रुप एसोसिएशन है, वो लोग 14 तारीख को धरने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो 14 तारीख को भी शायद CHA भी है उसमें, अपने राजस्थान के उसमें कुछ नर्सेज है या फिर 108 का भी कुछ चल रहा है, उसको थोड़ा क्लियर करो भाई। अभी तक जहाँ तक हमें सूचना मिली है, उस सूचना के अकॉर्डिंग तो रीट वाले और UTB और जो 108 वाले हैं वो है कुछ समाज के प्रतिनिधित्व है। वो कब जा रहे हैं? वो 14 तारीख को जा रहे हैं। आप बताइए क्या चल रहा है, ये दो गुट का जो चल रहा है, या आपका कब है, उनका कब है और उनकी क्या क्या है? देखो, मेरा मानना है कि हमारे पूरे CHA भाई सभी एक ही है, हमारे विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमारे मन में मतभेद नहीं है, हम साथ हैं। माध्यम अलग अलग प्रकार हो सकता है, कुछ हमारे भाई सांकेतिक धरने यानी कि रूप में पहले भी बैठ चुके हैं, अब उनकी कुछ मांगें थी शायद उन्होंने अनशन भी उठा दिया गया, मेरे को सुनने में आया है। लेकिन जो हमारी जो पुरजोर मांग है, जो हमारा राजस्थान प्रदेश राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन CHA जो हमारा संगठन है, जो हमारे प्रदेश संयोजक कशिश जी कछवा और रवि जी चावला महासचिव द्वारा बनाया गया है, और इसके अंतर्गत हमारे हर जिले में हमारी कार्यकारिणी है और समग्र रूप से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और हमारा जो 17 तारीख की जो महापड़ाव है, ये एक क्रांतिकारी पहल साबित होएगा, और जो अभी जो विधानसभा में जो सत्र चल रहा है, इस सत्र में हमारी पुरजोर मांग रहेगी कि हमारे जो CHA साथी जितने भी हैं सबको परमानेंट किया जाए। दूसरी चीज़ ये जो हमारा सम्मानजनक वेतन है 26,500 वो हमें मिले। अच्छा, तो ये जो 17 तारीख को आप जा रहे हो, 17 तारीख को धरना प्रदर्शन है, कब तक चलेगा? ये हमारे एक दिन की हमें भी स्वीकृति मिली है, इसी दौरान हमें अपना संख्या बल को पूरी तरीके से वहाँ पर बताकर सरकार के जो कानों में पर्दे हैं उनको खोलना है, और हमें बताना है कि राजस्थान में CHA क्या है और क्या करना चाहते हैं। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा लेडीज से बात कर लेते हैं, ये क्या कहना चाहती है। बाकी जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही महेंद्र पाल जी का इंटरव्यू लिया था, तो मेरे पास जयपुर से थोड़े से कॉल्स आए, मैसेज भी आए कि शायद इनका गुट अलग है ना, तो थोड़े से कॉल आए थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किसी की तरफ भी नहीं हूँ, मतलब मैं एक तरह से मीडिया प्रभारी हूँ, मीडिया के थ्रू समझ सकते हो आप, तो थोड़ा सा इनकी जानकारी ले लेते हैं, कोई कुछ बोलना चाह रहा हो तो लेडीज में। आ जाओ, मैं क्वेश्चन पूछ लूँगा, आप जवाब दे देना। हाँ, तो आप बताइए आप क्या बोलना चाहोगे, जो आप जा रहे हो वहाँ धरना प्रदर्शन करने या अपनी मांगों को मनवाने के लिए? जो हम जा रहे हैं 17 तारीख को यहाँ से, तो हम हमारी मांगों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें केंद्र में शामिल करें और हमारा पेमेंट 26,000 करें। अच्छा, तो फिर आप जाओगे? हाँ जाएंगे 17 तारीख को। हाँ जाएंगे। अच्छा, और इसके अलावा क्या प्रोसीजर है पूरी? 14 तारीख को भी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उनके बारे में बोल दो। एक्सटेंशन बढ़ाने का भी
जानकारी नहीं है। मांगे तो बताओ, मांगे बता दो अपनी। मार्च से ज्यादा एक्सटेंशन। अच्छा, और पेमेंट बजट में 26,500 और एनएचएम में शामिल किया जाए हमें। और हमारी जो 7,900 है उसको बढ़ा के 26,500 की जाए। और कोई कुछ बोलना चाह रहा हूँ, कोई और बोलना है? लाओ नवल जी, आप बोल दीजिए। सर देखो, ऐसा है, आपने कहा कि दो गुटों में बटा हुआ है। हाँ नहीं, मेरी बात सुनो मुझे, क्योंकि जैसे मैंने महेंद्र बाली का इंटरव्यू लिया था, ये पूरी राजस्थान तक ऊपर तक पहुँची ये वीडियो है ना, तो ऊपर से मेरे पास बड़े बड़े उनका भी आया था कॉल्स, मैसेज भी आए थे भाई क्या है क्या चल रही है, तो मैंने बोला कि अपन मीडिया से, तो मैंने कि चलो एक बार और इन्होंने जब चली रही है प्रोसीजर, तो दोनों तरफ की जानकारी अपन को एक तरफ से देना प्रोवाइड करना अपना तो काम ही है, ठीक है? तो उस हिसाब से तो आप बताओ। देखो ऐसा है कि उद्देश्य सबका एक है, काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जिस प्रकार से हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम भी कहा गया था अंग्रेजों ने कि दो गुट काम कर रहे हैं यहाँ पे देश को आज़ाद करवाने के लिए, एक गरम दल एक नरम दल। तो मेरे मानने से उद्देश्य तो उनका भी एक ही था देश को आज़ाद करवाने का, और हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं हो सकता है नेतृत्व कोई भी करे, उद्देश्य सबका एक है। तो गुट कहते हैं ना, शब्द किसी के भी अलग अलग हो सकते हैं लेकिन भावना एक ही है, उद्देश्य एक है, सीएचए के हित में काम करना। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तो सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स से सीएचएस के बोलना चाहोगे भाई चलना है कब, बोल दो उनके लिए संदेश भी। देखो मेरा तो संदेश सबके लिए ही है, क्योंकि ये एक पर्सनल एक अपने एक हक की लड़ाई है। तो न्योता उनको दिया जाता है कि कहीं शादी में बुलाने के लिए, क्योंकि वो पर्सनल एक आदमी का काम होता है, यहाँ पर एक आदमी काम नहीं है। क्योंकि संख्या बल दिखाएंगे, संख्या बाहुल्य दिखाएंगे तो ही हमारी मांगे पूरी होगी। क्योंकि अब तक के इतिहास रहा है कि जहाँ तक संख्या बल नहीं दिखाया जाएगा सरकार को, वहाँ तक तो कोई मांग पूरी नहीं होगी। चलो काफ़ी अच्छा, ठीक है। तो इनसे अब मिलेंगे 17 तारीख को, मंजबाली भी चली रहे, ठीक है? तो लास्ट में कुछ एंडिंग के लिए मैं मेरे सभी सीएचए साथियों को हाथ जोड़ के विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो 17 तारीख को हमारा माव पड़ा उसमें शामिल हो पूरे राजस्थान से। क्यों रहेगा, आपको इस सरकार को अगर कुछ सुनाना चाहते हो तो दो शब्द में बोलना चाहता हूँ कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, अगर इस दौर में जीना है तो मेरे यारो कोहराम मचा दो यारो। चलो काफी अच्छा, ठीक है, हो गया।